ये तो सब लोग तैयार. नाउ वी विल स्टार्ट विथ अवर सेशन. देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिजनेस कम्युनिकेशन. काफी लोग पढ़ाते हैं लेकिन समझाना बहुत मुश्किल है. बेसिक लैंग्वेज है, लैंग्वेज स्किल्स हमें पता होनी चाहिए. बहुत इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होना हमारे लिए आगे तक. ओके, तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, और कहीं पर भी कुछ भी डाउट हो तो मुझे वहीं बता दीजिएगा. वी विल स्टार्ट, वी विल स्टॉप एंड वी विल एक्सप्लेन योर क्वेरीज. उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे. Next is types of voices. Types of voices. अब देखिए, आप दो तरह से किसी भी सेंटेंस को बोल सकते हैं। एक जहां पर आप एक्टिव बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट या स्पीकर जो है वो एक्टिव है, जैसे कि आई लाइक टू कुक या आई डिड माई होमवर्क। ठीक है, यहां पर जो सब्जेक्ट है आई, That is doing the action. ठीक है, मतलब the subject is very active. Subject मतलब समझते हैं ना कि जो काम कर रहा है. ठीक है, I opened the door. ठीक है, so यहाँ पर it shows action. The subject has done some action. अब मैं इसी sentence को ऐसे बोलूँ, The door was opened by me. ठीक है, तो मेरे द्वारा दरवाजा खोला गया. अब इसमें क्या हो रहा है कि इवन दो सब्जेक्ट इज द वन जिसने एक्शन किया है, एक्शन जो इस सेंटेंस में शो हो रहा है दैट इज फॉर द डोर, कि जो डोर के ऊपर एक्शन किया गया ओपन का. ठीक है, द डोर इज ओपन्ड बाय मी. तो यहाँ पर जो पहले सब्जेक्ट था आपका आई का ना, दैट हैज बिकम द ऑब्जेक्ट. तो जब बेसिकली आप ये बोलते हैं कि जो काम किया जा रहा है, ठीक है, उस टोन में दैट इज पैसिव. अगर कुछ किया जा रहा है तो, अगर कोई कर रहा है दैट इज एक्टिव. ठीक है, बात करते हैं. सो बेसिकली एक्टिव वॉइस होती है और पैसिव वॉइस होती है. एक्टिव वॉइस शॉर्ट डायरेक्ट और एम्फेटिक सेंटेंस होता है, जैसे कि प्लीज प्लेस द ऑर्डर विद इन 60 डेज ऑफ रिसीट ऑफ द कोटेशन. यहाँ पर वो एक्शन ये बोल रहे हैं कि भाई आपको प्लेस करना है ऑर्डर. ठीक है, सो बेसिकली द सब्जेक्ट नीड्स टू प्लेस द ऑर्डर. अब मैं इसी सेंटेंस को बोलूं, द ऑर्डर नीड्स टू बी placed by you within 60 days. तो मतलब कि order needs to be placed. ठीक है, you don't need to place the order. Order needs to be placed by you. आप समझ रहे हो voice का difference. ठीक है, पर usually मतलब जो normal language होती है, written speech होती है, उसमें active voice ही use किया जाता है. Until unless there are some exceptions, rules हुए, ठीक है, advisory हुई कोई, या कुछ negative message या responsibility वाला sentence जैसे हुआ. ठीक है, सो बेसिकली जैसे हम बात करें, एक सेंटेंस हो सकता है यू हैव फेल्ड टू प्लेस द ऑर्डर इन टाइम. दिस इज एन एक्टिव वॉइस, क्योंकि आपने नहीं किया, सब्जेक्ट डिड और डिड नॉट डू समथिंग. सो यू हैव फेल्ड टू प्लेस द ऑर्डर इन टाइम इज योर एक्टिव वॉइस. क्योंकि नेगेटिव मीनिंग है, नेगेटिव एक टोन है इसमें, तो इसलिए इसका बेटर तरीका ये हो सकता है, Unfortunately, the order has been delayed, or the order has not been placed on time. ठीक है, so this is a better response when you are writing negative message. Similarly, passive voice की बात करें तो जैसे कि हमने बताया advisory कुछ होगी, legal formulations होंगी. ठीक है, जहां पर कोई identifier subject नहीं है. ठीक है, न्यूज़पेपर भी आप देखेंगे, न्यूज़पेपर्स में मोस्टली जो न्यूज रिपोर्टेड होती है वो पैसिव वॉइस में होती है. ठीक है, एग्जाम्पल कैन बी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स व्हाइल ड्राइविंग. नाउ दिस इज फॉर एक्टिव वॉइस. हाउएवर, सेइंग दैट ट्रैफिक रूल शुड बी फॉलोड, राइट, नाउ दे शुड बी फॉलोड बाय वन एंड एवरीवन, राइट, देयरफॉर दिस इज अ बेटर वे, पैसिव वॉइस ऑफ सेइंग द सेम थिंग. ठीक है, सो टाइप्स ऑफ वॉइसेस आर योर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. Okay. Usually in normal sentences, in daily use, you should use active voice. Okay. The sentences are shorter,
सिंपल होते हैं बोलना करना, ठीक है। और पैसिव वॉइस तब यूज होता है जब या तो कुछ नेगेटिव मैसेज देना हो, या एडवाइजरी, लीगल फॉर्मुलेशन, जहां पर कोई आइडेंटिफायर सब्जेक्ट ना हो। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट आर्टिकल्स। आई थिंक यू ऑल नो व्हाट आर द डिफरेंट आर्टिकल्स, ए, एन, द, ठीक है। ये होते हैं आर्टिकल्स, नाउन के पहले होते हैं, नाउन को के पहले उसको डिस्क्राइब करने के लिए आर्टिकल्स यूज होते हैं। ए होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, एन भी होता है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। इनडेफिनेट का मतलब कोई भी कॉमन नाउन के लिए यूज होता है। देर इज अ गर्ल, दैट इज अ काउ, ओके। एन जो है मतलब जहां पर बेसिकली इनडेफिनेट आर्टिकल मतलब जब कुछ डिफाइंड नहीं है नाउन, कोई स्पेसिफिक नाउन नहीं है, ठीक है। एन कब यूज होगा? एन यूज होगा जब जो आप जिस नाउन की आप बात कर रहे हैं कि जो डिफाइंड नहीं है उसमें वॉवल साउंड होगा। एन अम्ब्रेला, राइट। सो एन और ए इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, ओके। और द जो है जैसे कि हमने बोल पढ़ा था अभी, द, दीज आर प्रॉपर नाउन्स, या एक स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हैं आप, एक डेफिनेट चीज की बात कर रहे हैं, देयरफॉर द इज योर डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। सो ए और एन जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये इससे पता नहीं चलता कि हु आर वी टॉकिंग अबाउट। अ डॉक्टर मतलब कोई भी डॉक्टर हो सकता है। द जो है आपका डेफिनेट आर्टिकल हुआ बिकॉज इट नॉर्मली पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन। द बॉय हु टुक माई बुक, ठीक है ना। सो द बॉय हु टुक माई बुक, इसमें एक बॉय स्पेसिफिकली है जिसने आपकी बुक ली, आप उसी बॉय की बात कर रहे हैं। अ बॉय तो मतलब कोई भी हो सकता है, ठीक है। ही सॉ द डॉक्टर मीनिंग सम पर्टिकुलर डॉक्टर, ठीक है, जिस डॉक्टर को से वो मिले उसी पर्टिकुलर डॉक्टर की बात हो रही है। अब इनडेफिनेट आर्टिकल जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले भी यूज होता है, जैसे कि अ कार, एन एप्पल, अ टेबल, ठीक है। जो सिंगुलर नाउन्स होंगे काउंटेबल उसके लिए यूज होंगे। अगर काउंटेबल नहीं होंगे, शुगर की बात कर रहे हैं, सॉल्ट की बात कर रहे हैं, राइट, दीज आर नॉन काउंट अनकाउंटेबल नाउन्स, क्या आप इसके आगे ए यूज करेंगे? नहीं। जो आपके नॉन काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, शुगर, सॉल्ट, इनके आगे आप द ही यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि द मिल्क। सो डेफिनेट आर्टिकल जो है द, इट कैन बी यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स और फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। द पेंस, ठीक है ना, जब मल्टीपल नाउन पेंस हैं। आइडिया जो है, आइडिया इज नॉट अ काउंटेबल नाउन, ठीक है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट्स एन आइडिया, तो वहां पर द यूज होगा उसके आगे। एन का हमने बताई दिया कि वॉवल साउंड होना चाहिए। अब देखिए वॉवल्स आपको पता है, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये पांच वॉवल्स हुए। लेकिन क्या होता है, देर विल बी एक्सेप्शंस, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, द एम्फेसिस ऑन साउंड। वॉवल साउंड होना चाहिए, वॉवल इन इटसेल्फ इज नॉट अ नेसेसिटी टू यूज एन। इसका मतलब बताती हूँ, जैसे मान लीजिए यूकलिप्टस है, राइट, यूकलिप्टस स्टार्ट्स विद ई, बट यहाँ पर ई और यू का साउंड जो है इट कम्स लाइक यू, ठीक है। सो देयर फोर दिस साउंड्स लाइक अ कॉन्सोनेंट। यहां पर वॉवल का साउंड नहीं आ रहा है, तो देयर फोर यहां पर आप यूज करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल अ। एप्पल, दैट इज अ वॉवल, ठीक है, ए, एंड वॉवल साउंड ही आ रहा है तो यहां पर आप एन ही यूज करेंगे। इजिप्शियन में ई का साउंड आ रहा है, दैट इज अ वॉवल, तो आप एन ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यूकलिप्टस में आपको साउंड आ रहा है वाई वाला, राइट, जैसे ये वाई से यस बोलते हैं, या वो साउंड आ रहा है, सो देयरफॉर इट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, एंड देयरफॉर यहां पर आपने अ यूज कर रखा है, ना कि एन। इसका एक दूसरा एक्सेप्शन ऐसे हो सकता है कि अगर आपके पास एक कॉन्सोनेंट है जिसका वॉवल साउंड है, जैसे कि ऑनेस्ट, आवर, इट्स बिन एन आवर, ठीक है, ठीक है ना, 1 घंटा हो गया, तो उसके लिए आवर के लिए वी यूज एन, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी के लिए एन। नाउ एच इज अ कॉन्सोनेंट, बट बिकॉज इट इज विद द वॉवल साउंड ऑफ ओ, ऑनेस्ट, तो इसलिए यहां पर एन यूज किया है।
वेरी सिंपल, आर्टिकल्स भी हो गया. नेक्स्ट इज टेंसेस. अब देखिए टेंसेस जो वर्ड है, ठीक है, दैट मीन्स टाइम. क्या क्या लैटिन वर्ड है उसका मतलब है टाइम. एंड बहुत ही सिंपल है टेंसेस. प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीन टेंसेस ही होते हैं बेसिकली, ठीक है, मेनली. या तो पास्ट में हुआ होगा, या अभी चल रहा है काम, या फिर फ्यूचर में होगा, ठीक है. तो टेंसेस, जैसे कि मैं तीन सेंटेंसेस बताती हूँ. आई राइट दिस लेटर टू माई मदर. मैं ये लेटर अपनी मम्मी को लिख रही हूँ. आई रोट द लेटर यस्टरडे. मैंने कल लेटर लिखा था. या फिर आई शेल राइट अनदर लेटर टुमारो. मैं कल एक लेटर लिखूंगी. यहां पर जैसे आप देख रहे हो, राइट, रोट और शेल राइट, ये एक टाइम बता रहे हैं. राइट मतलब प्रेजेंट में, ठीक है. येस्टरडे से मतलब पास्ट, ठीक है, ये बीत चुका है, हो चुका है ये काम. और आई शेल राइट टुमारो मतलब फ्यूचर में मैं लिखूंगी. तो ये जो अलग अलग वर्ड्स हैं, वर्ब्स, वर्ब का जिस तरह से यूज हुआ है, या टाइम फैक्टर्स का जिस तरह से यूज हुआ है, इससे पता चल रहा है कि किस टाइम में, ठीक है ना, अब जब से जब ये सेंटेंस बोला गया है, उसके कंपैरेटिवली किस टाइम में वो एक्शन हुआ था, ठीक है. सो देयरफॉर दीज आर डिफरेंट टेंसेस. द वर्ब राइट टीम, आई वुड लाइक टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर. मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अभी तक आपको क्लियर है कल के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़े थे सारे, उसमें कोई डाउट है? या अभी तक जो हमने पढ़ा वॉइसेस के बारे में, टेंसेस के बारे में, हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा, आर्टिकल्स पूरे पढ़ चुके हैं, क्या उसमें अभी तक आप लोगों को कोई डाउट है? देखिए बेटर तरीका क्या होगा, आप यहाँ पर सेशन अटेंड करके जो मेरी मॉक टेस्ट वाले वीडियोज हैं उनको देखिए, ठीक है, और फिर देखिए कि आपको वो क्वेश्चंस ऑलरेडी आंसर्स आते हैं या नहीं. जहां पर भी आपको लगे कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, राइट, आप वो क्वेश्चंस लेके आ जाइए और हम इन्हीं सेशंस में डिस्कस कर सकते हैं. एक और चीज बता दूं, आई डोंट नो इफ यू ऑल आर अवेयर और नॉट, सुपर प्रॉफ्स जो है इज प्रोवाइडिंग CSET का जो ऑनलाइन कोर्स है, उसमें 2-3 दिन के लिए ऑफर है कि इफ यू परचेज द कोर्स राइट अवे, तो यू कैन गेट यू नो अप टू 5 1-hour सेशंस वन ऑन वन विद मी. मतलब कोर्स तो मिल ही रहा है, सारे प्रोफेसर्स का गाइडेंस तो है ही, उसके अलावा मान लीजिए कई बार हमारे को कुछ करियर से रिलेटेड डाउट होता है, CSET से डाउट है, या फिर हमको कोई स्पेशल एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है एक प्रोफेसर का पढ़ाने में, तो आप वो सारे डाउट्स, वो सारे क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं वन ऑन वन सेशन में. पर्सनल कोचिंग की तरह हो जाएगा वो, 1-1 घंटे के सेशन होंगे, अप टू 5 सेशन हैं ये, ओके. एंड आप कॉल कर सकते हैं सुपर प्रॉफ्स के सेल नंबर पे उस कोर्स में एनरोल करने के लिए. ओवरऑल कोर्स प्रोफेसर दिव्य मिगलानी, अमित मेंदिरत्ता सर, CSET का कंप्लीट कोर्स कवर्ड है. बिजनेस कम्युनिकेशन मैंने पढ़ाया हुआ है, लॉजिकल रीजनिंग मैं पढ़ाती हूँ, एंड उसके अलावा करंट अफेयर्स का 1-1 वीडियोज अपडेटेड हैं. तो आपको वो कोर्स काफ़ी मदद कर सकता है. एंड एट द टाइम अगर आप लेंगे तो आपको उसके पूरे कोर्स के साथ साथ मॉक टेस्ट का जो पूरा 10 मॉक टेस्ट सॉल्यूशन का है वो भी मिलेगा. एंड साथ में आप यू कैन यू नो एनरोल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशंस विद मी. तो 5 सेशंस मिल रहे हैं 1-1 घंटे के, जिसमें आप लोग आके डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है. आप लोग बोल रहे हैं अभी तक आपको डाउट नहीं है. जो लोग आज के सेशन में पहली बार आए हैं उन्हें बता दूं, मॉक टेस्ट डिस्कशन की कंप्लीट सीरीज है, यूट्यूब पे हमने शेयर की हुई है. और उसके अलावा कल सेशन जो था ग्रामर एंड इट्स यूसेज का फर्स्ट पार्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने कल डिस्कस करा था, वो भी यूट्यूब पे है. उसका लिंक अभी हम सेशन के एंड में दे देंगे, ताकि आप लोग अभी वाले सेशन पे फोकस करें, ठीक है. नाउ वी विल कंटिन्यू विद दिस टेंसेस. ऐसे का क्लासेस फ्री नहीं है, जो फ्री ये जो सेशंस हैं ये हैं यूट्यूब पे, बट अदरवाइज जो क्लासेस की मैं बात कर रही हूँ दे आर पेड क्लासेस. रेफर्स टू प्रेजेंट टाइम, हेंस अ वर्ब दैट रेफर्स टू प्रेजेंट टाइम इज सेड टू बी द प्रेजेंट टेंस. सेंटेंस टू में आप देख रहे हैं ये पास्ट टाइम पे के ऊपर है, सो देयरफॉर इट इज पास्ट टेंस.
एंड सेंटेंस थ्री में लिखा है कि जब हमने ये सेंटेंस बोला उसके फ्यूचर में किया होगा, ठीक है, रेफर्स टू फ्यूचर टाइम, देयरफॉर इट इज द फ्यूचर टेंस। तीन टाइप के हमारे टेंस कवर हो गए, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब टेंस का मतलब क्या होता है? अ सेट ऑफ फॉर्म्स टेकन बाय अ वर्ब। यहाँ पर देख रहे हो आप, वर्ब इज राइट, ठीक है, राइट का फॉर्म होता है रोट, ठीक है, विल राइट या शैल राइट से वो फ्यूचर है। रिटन इज परफेक्ट वाला फॉर्म, मतलब ऑलरेडी हो चुका है काम, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट इसकी फॉर्म्स होती हैं एक वर्ब की, व्हेन अ वर्ब टेक डिफरेंट फॉर्म्स टू इंडिकेट द टाइम, ठीक है, टाइम क्या है ऑफ द एक्शन, जो भी एक्शन यहाँ पर हो रहा है या जो भी एक्टिविटी हो रही है उसके बारे में, ठीक है, वो एक्शन टाइम ऑफ अटरेंस, जब ये सेंटेंस बोला गया उसके कंपैरिजन में वो एक्शन कब हुआ है, ठीक है, और वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा आपको वर्ब के फॉर्म से और डिफरेंट टाइमलाइन से, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड द टेंसेस। ठीक है, टेंस मैंने बताया लैटिन वर्ड है टेम्पस और इसका मतलब होता है टाइम। ओके, सो अब हमें पता चल गया कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तो मतलब काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब प्रेजेंट में भी अलग अलग टाइप के टेंस हो सकते हैं, जैसे कि आई रीड अ बुक, मैं बुक पढ़ती हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई एम रीडिंग अ बुक, मतलब जब हम लोग ये बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे मैं किताब पढ़ रही हूँ, उस टाइम पे आई एम रीडिंग अ बुक, मतलब ये एक्शन अभी हो रहा है, देयरफॉर दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस बिकॉज इट इज इन द एक्शन इज इन कंटिन्यूएशन, ठीक है, इन द प्रेजेंट, राइट। और तो सेंटेंस है आई हैव रेड अ बुक, जिस बुक की बात हम कर रहे हैं, आई हैव रेड दिस बुक, मैं ये सेंटेंस पढ़ चुकी हूँ, ठीक है, लेकिन हाल फिलहाल में ही पढ़ा है। एंड आई हैव बीन रीडिंग अ बुक, मतलब मैं एक किताब है जिसको मैं अक्सर पढ़ती रहती हूँ और अभी भी पढ़ रही हूँ, ठीक है, सो आई हैव बीन रीडिंग इट, चुकी हूँ। अब देखते हैं चारों सेंटेंस का। अब देखिए, लेकिन हाल फिलहाल जो है, द बेस्ट पार्ट इज ये चारों प्रेजेंट में ही है, मतलब इस ड्यूरेशन में, इस टाइम पर जब ये सेंटेंस बोले गए हैं उस टाइम पर इनका अकरेंस हो रहा है समवे और द अदर, ठीक है, या उसका इफेक्ट है, ठीक है, बट उसमें भी देर इज अ डिफरेंट सेंस ऑफ टाइम। जैसे कि सेंटेंस वन में इट जस्ट शोज कि एक्शन होता है, वेदर इट हैज बीन कंप्लीटेड और नॉट उस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, उसकी कोई बात ही नहीं की गई है, सो देयरफॉर दिस इज सिंपल प्रेजेंट, वेयरइन यू डू नॉट से एनीथिंग अबाउट द कंप्लीटनेस और द इनकम्प्लीटनेस ऑफ द एक्शन, जस्ट मेंशन दैट द एक्शन अकर्स इन द प्रेजेंट। ओके, सेंटेंस टू की बात करें, आई एम रीडिंग अ बुक, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि द एक्शन इज टेकिंग प्लेस कंटिन्यूअसली, राइट, इट इज स्टिल गोइंग ऑन, देयरफॉर इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सेंटेंस थ्री में बात करें तो हमको ये पता चल रहा है कि एक्शन जो है वो जब हमने बात की थी तब तक कंप्लीट हो चुका था, ओके, बट उसका इफेक्ट जो है उस प्रेजेंट टेंस में है, देयरफॉर इट इज प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, एंड द फोर्थ वन इज आई हैव बीन रीडिंग अ बुक, मतलब जब ये बात हुई, ठीक है, तो तब सेंटेंस कंटिन्यूसली चल रहा था एंड हैज नॉट बीन कंप्लीटेड एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। ओके, सो मैंने पहले किताब पढ़ना शुरू कर दिया था पर मैं अभी भी उस किताब को पढ़ रही हूँ, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट। मैं एक किताब पढ़ रही हूँ एज एन ओनली इन द प्रेजेंट, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। सो अब हमको ये पता चला है ये चार डिफरेंट फॉर्म से कि बेसिकली एक टेंस जो है इट डज नॉट ओनली शो द टाइम ऑफ द इवेंट, केवल आपके एक्शन का टाइम कब हुआ, पहले हुआ, बाद में, वो ये नहीं बता रहा है, वो स्टेट भी बता रहा है कि अभी वो एक्शन चल रहा है या वो खत्म हो चुका है या वो पहले से चल रहा था और अभी तक चले जा रहा है, राइट। सो देयरफॉर दिस इज आल्सो ट्रू दैट टेंस टेल्स द टाइम ऑफ द एक्शन एज वेल एज द स्टेट ऑफ एन एक्शन। जैसे प्रेजेंट टेंस में चार फॉर्म होते हैं, सिमिलरली पास्ट टेंस के भी चार फॉर्म होते हैं, इनके सिंपल एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। आई जम्प फ्रॉम द विंडो, ठीक है, पास्ट में जम्प किया था। आई वॉज जम्पिंग फ्रॉम द विंडो एज शी कॉल्ड मी,
तो जब उसने मुझे कॉल किया तब मैं जंप कर रहा था या तब मैं जंप कर रही थी, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस था ये पास्ट में. आई हैड जंप फ्रॉम द विंडो, मतलब तब तक मैं कॉल, जब तक उसका कॉल है तब तक मैं जंप कर चुकी थी या कर चुका था, ठीक है. आई हैड बीन जंपिंग फ्रॉम द विंडो डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, बट यू गेट द अंडरस्टैंडिंग, ठीक है. नेक्स्ट इज फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस की भी चार फॉर्म है. I will jump, I will be jumping, like this time tomorrow I will be cooking food. ऐसे बोलते हैं ना, या this time tomorrow I'll be flying, ठीक है ना. So I will have jumped, right? जैसे कि इसका बेटर एग्जाम्पल हो सकता है कि by 5 PM tomorrow I will have cooked my meal, ठीक है ना. मतलब 3 बजे खाना बनाना शुरू करेंगे एंड देन आपका खाना 5 बजे तक बन जाएगा. तो ऐसा बोलते हैं ना कि बाई दिस टाइम टुमारो आई विल हैव डन दिस, एंड बाई दिस टाइम टुमारो आई विल हैव बीन कुकिंग. प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो वही यहाँ पर भी सेम है कि टाइम एज वेल एज स्टेट ऑफ द इवेंट इज टेकन केयर ऑफ, ठीक है. तो हमने अभी क्या पढ़ा टेंसेस के बारे में, 3 टाइप के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. मतलब पास्ट में जो हो चुका है, प्रेजेंट में जो चल रहा है या फ्यूचर में. और इन तीनों टेंस के अलग अलग 4 सब टाइप्स होते हैं. सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. सिमिलरली फॉर पास्ट टेंस इट इज सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड योर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. फॉर फ्यूचर टेंस ऑल्सो सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. These are the different tense types. Okay, तो अभी हम लोगों ने basic part cover किया है grammar का, ठीक है. This is the first video. All right. All right. So अभी तक आप लोगों को कोई भी queries हैं? नहीं, कोई भी doubts नहीं है? Very good. तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, सेंटेंस करेक्शन एंड पैरा जंबल्स एटसेट्रा वाला, वो करेंगे, ठीक है. अभी हम लोगों ने ग्रामर पढ़ा है एंड ये सारे जो क्वेश्चंस आते हैं सीएसईटी में ग्रामर वाले, दे आर वेरी वेरी यू नो स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस. ये सारे क्वेश्चंस एकदम स्ट्रेट अवे होते हैं, ओके. बाकी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप मुझे बताइए, we will discuss your doubts. कोई भी डाउट्स नहीं है, चलिए परफेक्ट है. देखिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन लिंक भेज रखा है सत्यन ने. अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिए ताकि यू आर वेल अवेयर ऑफ ऑल द फ्री सेशंस. कल दिव्य मिगलानी सर ने भी एक सेशन लिया था, ठीक है, उसकी वीडियो एंड उस सब के लिए. सत्यम, कैन यू शेयर द प्लेलिस्ट फॉर मॉक टेस्ट वाला एंड सीएसईटी का ब्लॉग पोस्ट भी? सैंपल पेपर ऑफ सीएसईटी. तो दीपिका, आप ICSA के, वैसे तो जो मैं क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ उसमें सारे यू नो मॉक टेस्ट होता ही है, ओके. तो वो वाले सेशंस आप देख सकते हैं या फिर ICSA की वेबसाइट पर भी. सत्यम, इफ यू कैन शेयर द मॉक टेस्ट लिंक. चलिए, ये जो ब्लॉग पोस्ट है हम इसी पर लिंक भी अपडेट कर देंगे, ठीक है. तो जो भी सैम्पल पेपर्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, वो आपको मिल जाएंगे इसी ब्लॉग पोस्ट के थ्रू. जस्ट अ सेकंड, आई एम शेयरिंग दिस मॉक टेस्ट लिंक फ्रॉम ICSI. ओके ओके, हाँ. वैसे हम लोगों को, सब लोगों को ग्रामर एंड बिजनेस कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट कैसा लगता है? इजी लगता है या डिफिकल्ट लगता है?
एंड डू यू फाइंड दीज सेशंस हेल्पफुल, मुझे बताइए चैट पे, सो दैट यू नो अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको मुश्किल लगता है वी कैन कवर दैट टू इन दीज सेशंस. एंड खाली बिजनेस कम्युनिकेशन में क्यों, किसी और सब्जेक्ट में भी तो आप लोग चैट पे बता सकते हैं जिसमें आपको टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में दिक्कत होती है. सारे टॉपिक्स आते हैं सबको, मतलब नवंबर में सब लोग सीएसईटी एकदम क्लियर ही कर लेंगे. करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए सेशन करवा देते हैं, किशन सर करवाते हैं. तो पुअर, कोई बात नहीं दीपिका, देखिए करंट अफेयर्स में क्या है, थैंकफुली आईसीएसआई ने हमको एक मतलब लिमिटेड सिलेबस दे रखा है जिससे करंट अफेयर्स हमें पता होने चाहिए, ठीक है. तो ये काफी बेनिफिट है जो सत्यम ने हाँ सत्यम बताइए. टुमारो वी हैव दिस करंट सेशन, सेशन करंट अफेयर्स सेशन एट द सेम टाइम. चलिए सुपर ब्रो से सत्यम मिश्रा, ऑलरेडी आप लोगों की सारी रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखते हुए ऑलरेडी करंट अफेयर्स का सेशन उन्होंने शेड्यूल कर रखा है कल. ओके, तो करंट अफेयर्स के सेशन में भी आप लोग आइएगा एंड यू विल फाइंड इट हेल्पफुल. और कोई भी ऐसा रिक्वायरमेंट है आपका तो जो नंबर दिया है मैंने सेल्स का आप उस पर बता सकते हैं कि वी वॉन्ट स्पेशल सेशन ऑन दिस टॉपिक, या फिर सपोर्ट एट सुपर प्रॉप्स ईमेल आईडी पर भी अगर आप भेज देंगे दैट दिस इज़ योर स्पेशल रिक्वेस्ट. So we will take it up from there. We will try to incorporate your suggestions और उन topics पे session करवाने की कोशिश करेंगे. बाकी it is always better कि self preparation के साथ साथ अगर आप लोग you know guidance के साथ पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से कम time में कम effort से आपका exam आराम से clear हो सकता है, क्योंकि हमारे professors को पता होता है कि भाई क्या exam में आता है, किस तरह से questions आते हैं. चेतन आपका कोई क्वेरी है आप चैट पे लिख के भेज दीजिए. उस दिन प्रीवियस सेशन में दो तीन स्टूडेंट्स थे जो सीएसईटी ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं एंड देयर फीडबैक वाज कि उसी तरह से पढ़ाया जा रहा है जिस तरह से क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में, राइट. दे हैव क्लियर्ड सीएसईटी सुपर प्रॉफ से, उन्होंने ऑनलाइन कोर्स लिया था एंड दे हैव क्लियर्ड एंड दे वर वेरी हैप्पी कि जिस तरह से प्रोफेसर ने पढ़ाया है वही उसी तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनके लिए काफ़ी आसानी हुई थी, राइट. तो आप लोग भी ये कर सकते हैं, आप लोग ऑनलाइन कोर्स लेंगे तो आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा. बाकी ये वाला सेशन तो ओवर हो गया है और अब आप लोगों के लिए कोई क्वेरीज नहीं है, तो वी विल अपलोड दिस सेशन आई थिंक टुनाइट 8-9 बजे यूट्यूब पर मिल जाएगा या फिर मैक्सिमम कल मिल जाएगा. ओके, लिंक आप लोग बुकमार्क करके रख लीजिए सो दैट इट यू कैन यू नो यूटिलाइज इट. अच्छा, तो कोई बात नहीं दीपिका, मॉक टेस्ट को अगर लॉगिन आईडी चाहिए तो व्हाट यू कैन डू इज जो हमारे वाले वीडियोस हैं उनको अटेंड कर सकते हैं, नहीं तो जो हमारा मॉक टेस्ट मॉड्यूल है वो उसमें हम लोगों ने सारे ऑफिशियल मॉक टेस्ट कवर किए हुए हैं तो वहां से आप देख सकते हैं. ऑलराइट, ओके देन, ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड होप टू सी यू सून. वी विल कवर द आर्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एंड सेंटेंस करेक्शन पार्ट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट सेशन, तो स्टे ट्यून्ड. टेलीग्राम पे अपडेटेड जरूर रहिए ताकि आप लोगों को सारे सेशन शेड्यूल मिल जाएं. रोज रोज 5:30 बजे सीएसईटी के लिए सेशंस हो रहे हैं. ओके, तो आप लोग खुद इस वाले ज्वाइन लिंक वाले पे आ सकते हैं और 5:30 बजे अपने आप ही जो सेशन हो रहा है वो सीएसईटी के लिए या फाउंडेशन लेवल के लिए ही हो रहा है, तो इट विल बी रेलेवेंट फॉर यू ऑल. ओके देन, दैट्स इट. थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द सेशन एंड गुड लक.